तो ये ब्लॉग शुरू हो रहा है, संडे के दिन बोल सकते हैं। तो हल्का सा जो है बारिश जो है हल्का सा जो है एक एक बूंदे जो है बारिश गिर रहा था उसी टाइम का है। एकदम भी नहीं था, बस क्लाउडी मोमेंट था, मतलब एकदम क्लाउडी जैसा क्लाइमेट था। तो मुझे लगा कि यहीं से जो है ब्लॉग बनना चाहिए। तो एक्चुअली वीडियो आने के लिए डिले भी हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गया, बच्चों को देखना है, काम की बिजी, इसी वजह से एक्चुअली मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड कर रही थी। तो आपको भी मेरे साथ में जो मेरी लाइफ में क्या है आपको भी पता चल रहा था, बस इसी वजह से अपडेट वगैरह नहीं दे पा रही थी। तो यहीं से शूट चालू कर दिया मैंने, तो सोचा कि इस दिन का ही ब्लॉग दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 6 o'clock मैं ड्यूटी से आ गई थी, उस टाइम का है। तो सारा जो है जो भी हो रहा है वो बताऊँगी मैं आपको। तो किचन में एंटर कर चुकी थी, ये देखिए इन लोग ना मैं आ गए तो बहुत खुश हो जाते हैं, इनका खेल ही खेल शुरू हो जाती है। हाय अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आज जो है क्लाइमेट मैंने जैसे दिखाया कि बाहर बहुत अच्छे क्लाउडी क्लाइमेट है, मतलब एक मौसम जो है अचानक चेंज हो गया है। तो सोच रही थी कि कुछ चाय वगैरह पी लूं, तो अब भी जस्ट ड्यूटी से आई तो सोच रही थी चाय बना लूं पहले। चलिए फिर मेरे साथ आप भी जुड़िए। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है समोसा लेकर आ गए थे, तो वही मैं निकाल रही हूँ। तो सोची कि समोसा भी है, मौसम भी इतना सुहाना इतना बढ़िया लग रहा है, तो मुझे लगा कि चाय पी लेना है। एक्चुअली मैं चाय छोड़ चुकी थी क्योंकि अभी पी नहीं रही हूँ। तो कभी कभी जो है इस तरीके से मौसम वगैरह दिखा ना तो लगता है कि चाय की तलब हो जाती है, तो लगता है पीना है, तो फिर चाय बना रही हूँ मैं। तो उसी के साथ में यहाँ पे हस्बैंड मच्छी फिश जो लाए थे, मच्छी भी है तो वो क्लीन करेंगे। बस मच्छी की स्मेल से इन दोनों भी आ गए तो उनको पहले मच्छी देना है। तो यहाँ पे देखिए, और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ, उन लोग खेल रहे हैं दोनों लोग। एक्चुअली मैं रात में वॉइस ओवर दे रही हूँ, ऑलमोस्ट 11 हो गया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं चाय बना रही हूँ। एक्चुअली चाय जो है हस्बैंड भी आ गए थे तो उनको पूछा कि उन्होंने नहीं मना कर दिए। चाय क्या है हम ऑलमोस्ट बंद कर चुके हैं, कभी कभी हस्बैंड सुबह में तो उनको चाहिए ही, मैं सुबह में भी नहीं पीती हूँ। इस तरीके से कभी क्लाइमेट वगैरह ठंड मौसम जैसा लगा ना तो एक होती है ना चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है, बस कभी कभी कॉफ़ी ही पी लेती हूँ मैं। और यहाँ पे चाय मेरा जो है ऑलमोस्ट जो है बन गया है, तो चाय हम एंजॉय करेंगे। हस्बैंड जो है नहीं चाहिए बोले, बस मैं ही बना करके थोड़ी वगैरह बातें वगैरह हो जाता है, क्योंकि पार्टनर को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड एंड वाइफ को जो है बैठना है, बातें करना है, दिन भर के जो भी काम के जो भी हमारे साथ जो भी जो है हम काम पर जाते हैं किस तरीके से माहौल होती है, हस्बैंड के काम पे क्या हुआ, ये सब जो है एक बातचीत करने का एक टाइम ही वक्त ही होता है ना। नहीं तो क्या होता है हम बिज़ी हो जाते हैं कुकिंग में, या तो फिर हस्बैंड अपने काम में या बच्चे अपने पढ़ाई में, तो बच्चों के साथ भी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हम। तो इसी तरीके से मूवमेंट वगैरह मिलती है, टाइम मिलती है तो हम बैठ के कुछ बात वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं समोसा मेरे और चाय में एंजॉय कर रही हूँ। तो हस्बैंड बैठे हुए इस तरफ कैमरा की तरफ आना नहीं चाहते थे, तो चलिए फिर वही सही, हम दोनों बातें कर रहे जो जो उस दिन का पूरा डिटेल जो है कुछ भी है, उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कभी कभी होती है ना हेडेक हो जाते हैं काम पे हो या फिर बच्चों की तरफ से हो, कुछ तभी छोटा छोटा सा परेशानी आ जाते हैं। तो उसी के बारे में जो है हम थोड़ा सा बात वगैरह करते हैं, या तो फिर कुछ भी मतलब एक फ्रेंडली जो मोमेंट हो ना वो भी हम बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड एंड वाइफ हो गए कुछ भी नहीं बात करना है, कुछ भी शेयरिंग नहीं करना है, एक्चुअली शेयरिंग करना है। कुछ भी बात हो, छोटे छोटे बातें भी जो है अपने पार्टनर से बात करके शेयर करेंगे तो ही उसके हल जो है निकाल पाते हैं हम, और एक फ्रेंडली मोमेंट भी बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये दो लोग भी मेरे साथ आ गए, तो मैं कुछ खा रही थी तो उनको भी चाहिए ही होता है,
मॉर्निंग में ना एक्चुअली ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं हम, उसी टाइम पे भी यही है उनका फेवरेट आइटम है, टोस्ट केक वगैरह होता है ना वो, तो ये समोसा नहीं खा रहे थे। मैं छोटा सा टुकड़ा वगैरह डालकर देखी लेकिन परेशान कर रहे थे मुझे, क्योंकि मेन चीज़ जो है फिश है वहाँ पे, उनका मच्छी जो है तो उसको जल्दी से साफ करना है, उनको देना है। तो उसके बाद जो है चाय वगैरह पीने के बाद एक अच्छे से मोमेंट जो है, एक 5 मिनट का मोमेंट हमारा बन गया, बात वगैरह करके थोड़ा शांत रिलैक्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे चावल जो देखिए मैं रात का खाना है मैं गर्म कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में था एक्चुअली। मैं दोपहर में बच्चों के लिए एग राइस बना कर गई थी, तो ये रात का खाना जो है मैं गर्म कर रही हूँ, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना है, तो फ्रिज में था तो वही खाना गर्म कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड मच्छी साफ़ करने लग गए, क्योंकि ये दोनों जो है इतना सता रहे थे हमें, हमारा डिगरा और शोना जो है, तो उनके लिए जो है मच्छी तो जल्दी जल्दी से क्लीन करके हम दे देंगे। तो ये देखिए चाकू से, हम दोनों भी हस्बैंड और मैं हूँ, चाकू से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। एक्चुअली इस तरफ कर्नाटका साइड में मैं देखी तो यहाँ पे अडाला जो है यूज़ होता है, लेकिन मुझे तो आता ही नहीं बिल्कुल, सच बोलूँ इतना शादी कितने साल हो गए कभी मैंने अडाला यूज़ नहीं किया है, सिर्फ जो नारियल वगैरह खिरचने के लिए उतना ही यूज़ करती हूँ, वरना मुझे कुछ भी कटिंग नहीं आती है उस पर, चाकू से ही सारा काम हो जाता है मेरा। क्योंकि मम्मी के जो है, जैसे मेरी मम्मी करती थी वैसे ही मुझे भी उसी तरीके से हैबिट हो गया है करते करते। एक्चुअली सच बताऊँ ना, शादी के टाइम पे तो कुछ भी नहीं आता था मुझे, एक्चुअली 17 जस्ट ख़त्म होकर 18 लगा था शायद, तभी मेरी शादी हुई थी। मानो कि चाय भी नहीं बनाने आती थी मुझे सच बोलूँ तो, क्योंकि मम्मी की इकलौती बेटी थी मैं, तो सारा काम जो है मुझे मम्मी बैठे जगह पे सब कुछ मिलता था मुझे, बस चाय हो खाना हो कुछ भी हो बस एक फरमाइश से सब कुछ हो जाती थी। लेकिन कभी कभी मुझे मुझे ऐसा ताजुब होता है कि मैं इतना सारा काम कर रही हूँ क्या बोल के, लेकिन अभी तो 16 ईयर्स ऑलमोस्ट, इस जून में ही हमारा शादी का सालगिरह है तो 16 ईयर्स कम्प्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए नारियल भी मैंने छील लिया, नारियल था तो यहाँ पे मच्छी है तो मच्छी की कढ़ी बन रही है, उसी के साथ में मच्छी फ्राई भी बनेगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मच्छी कढ़ी के लिए नारियल खिरच चुकी हूँ मैं, तो यहाँ पे उसके लिए कढ़ी के लिए देखिए हल्दी पाउडर लेना है हाफ से एक चम्मच पर, तो एक नारियल ली हूँ मैं, एक नारियल में पूरा नारियल नहीं ली हूँ थोड़ा सा रखी हूँ मैं। तो यहाँ पे धनिया पाउडर जो है एक चम्मच या 1.5 चम्मच ले सकते हैं, फिर एक ऑनियन ली हूँ, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर ली हूँ मैं, अदरक लहसुन थोड़ा थोड़ा सा, और ये एक प्याज जो है लेना है, फिर मिर्ची पाउडर चिली पाउडर जो होता है वो भी एक टेस्ट के हिसाब से 2.5 चम्मच 3 चम्मच तक ले सकते हैं। अगर मिर्ची पीस के आप डाल रहे हैं तो वो भी बहुत टेस्टी होता है, आपके पास मिर्ची है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैं कभी कभी इस तरीके से भी बना लेती हूँ, अगर मिर्ची है तो उस वो पीस कर भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमली खट्टा जो है वो, और थोड़ा सा इमली खट्टा मैं भिगोने के लिए रखी हूँ, क्योंकि फ़िश फ्राई के लिए चाहिए मुझे, तो वो सेपरेट से देखिए यहाँ पे भिगोने के लिए रखी हूँ मैं। तो इसको अच्छे से पीस के हम ग्रेवी बनाएंगे फ़िश की, तो मौसम तो इतना अच्छा है, अच्छे से एक फ़िश करी और फ़िश फ्राई बना रहे, तो वही हमारा डिनर का खाना जो है। तो जैसे मैं बता रही थी कुछ भी नहीं आता था, बस बाद में जैसे मैं शादी का एक एक साल निकल रहा था, बस हस्बैंड से और सबसे ऐसे वगैरह सीख सीख के बस अभी थोड़ा परफेक्टली बैठ गया है हाथ। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों के लिए कुकिंग वगैरह एकदम मास्टर शेफ़ है, तो वो तो नहीं है हम, बस जैसे घर के लिए जितना होता है उतना मैं कुकिंग कर लेती हूँ अपनी एक छोटी सी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे फ़िश फ्राई के लिए मसाला भी लगा रही हूँ मैं, नमक हल्दी पाउडर चिल्ली पाउडर और इमली जो डालकर, इमली के पानी जो है, तो इसको भी अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे। जब तक फ़िश फ्राई करेंगे तब तक अच्छे से मसाला वगैरह इसको मिक्स होके अच्छा टेस्ट बनता है फ़िश फ्राई। तो ये कभी कभी फास्ट में इसी तरीके से बनाते हैं फ़िश फ्राई का अलग अलग जो मसाला क्या जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाकर। और ये जो है एक ही जो है बांगड़ा जो मैंने फ़िश करी के लिए रखी हुई हूँ, क्योंकि फ़िश करी का जो है मच्छी मैं ही खाती हूँ, या तो फिर हस्बैंड, बच्चे तो फ़िश खाना ही मना कर रहे हैं आजकल, उनको सिर्फ चिकन चाहिए, तो उनको मच्छी या तो फिर
इस तरीके से दूसरे कुछ आइटम्स वो खाने के लिए मना कर दे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन वगैरह था तो वो भी बीच बीच में मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से काम निपटा लेना है, बस टायर्ड, एकदम टायर्ड हो जाती हूँ। और इस टॉपिक में ना मैं बात करना चाहती थी कि आप किसी को देखकर जलसपन या तो फिर एक टायर्डनेस, ये सभी चीज़ जो है बेफालतू है। एक्चुअली सच में मैं बताऊँ तो हम किस चीज़ के लिए जलस करते हैं मुझे नहीं पता। किसी और के लाइफ देखकर मुझे भी उसी तरीके से जीना है, मुझे भी यही करना है, वो जो कर रहे वही करना है, ऐसा कभी मत सोचिए। आपके पास जो हुनर है ना, उस चीज़ को आप यूज़ करके कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचिए, आगे कुछ बनने के लिए सोचिए, ज़रूर आप उसमें कामयाब होंगे। क्योंकि हमें कुछ चीज़ पता ही नहीं है, हम दूसरों को देख के ऐसा सोच लेते हैं कि बस उनके जैसे लाइफ जीना है, उनके जैसे बनना है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उनकी लाइफ उन्हीं की लाइफ है, क्योंकि वो उस चीज़ पे मेहनत करते हैं, तो हमें भी उस चीज़ पे मेहनत, हमारे जो हुनर है, हम जो कर सकते हैं उस चीज़ पे हम कामयाब अगर हो सकते हैं तो ज़रूर उस चीज़ पे ट्राई कीजिए, उस चीज़ के लिए हार्डवर्क कीजिए, ज़रूर आपकी मंजिल मिलेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी और के लाइफस्टाइल को कॉपी पेस्ट करके, कॉपी करके ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कभी नहीं हो सकता है वो चीज़, है क्या नहीं। हम भी यहाँ तक पहुँच रहे, हम भी कुछ कर रहे, तो बस हम मेहनत कर रहे, हम काम कर रहे, इतनी हार्डवर्क कर रहे, कुछ अपने लाइफ में कुछ कर पाए। और किसी और के का मतलब क्या है, कमाई में हम एंजॉय करेंगे या तो फिर कोई और देगा तो हम जिएंगे, ये भी अगर हम सोचते बैठेंगे ना तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे हम। और कभी दूसरों की कमाई में हम कुछ खर्च करके जिएंगे तो कुछ बन ही नहीं पाएंगे, सच बताऊँ तो। तो अपने आप में जो है उस चीज़ पे फोकस करके, उस चीज़ के लिए मेहनत करना, तो आपको ज़रूर उसकी कामयाबी मिलेगी, उसकी मंजिल तक आपको ज़रूर उस चीज़ लेकर जाएगी, मतलब जिस काम पे आप एकदम फोकस करके हार्डवर्क करेंगे। तो वही यह है, किसी और को देख के हम जलस तो नहीं होना चाहिए, बस सबके अपने अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ है, अपनी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, तो अलग अलग स्टाइल्स होती है, तो उसको हम किसी और के इसको फॉलो करके तो हम जी नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा है कि ट्रेंड को फॉलो करो जो है सोशल मीडिया में जो चलती है, तो ट्रेंड वो सोशल मीडिया तक की सीमित बराबर है, क्योंकि उस फील्ड में अगर उतरेंगे तो वो चीज़ पे हम ज़रूर मतलब जो काम के लिए फॉलो करेंगे तो हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी और की चीज़ को देख करके हम लाइफ एंजॉय करेंगे, ये ज़रूर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक तरफ फिश फ्राई के लिए रख चुकी हूँ, और यहाँ पे आम संडे मार्केट का शूट है, आम जो है ये देखिए यहाँ पे आम बिखा रहे थे संडे मार्केट में, तो एकदम टेस्टी भी था और एकदम महंगा भी था। एक्चुअली 600 डजन के लिए, 600 डजन मतलब 12 आम जो होती है ना, 12 मिलता है एक डजन में, तो उसके लिए 600, 700, 800, क्योंकि अभी बारिश नहीं स्टार्ट हुआ है एकदम, तो इसीलिए इतना रेट से। और ये सभी लोकल से भी आता है संडे मार्केट में, तो हम यहाँ पर ले लिए देखिए, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट टाइम हम लेकर जा रहे थे, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही ले लिए हमने, मतलब एक डज़न ही ले लिया, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पर देखिए आदिल, वही आम जो है आदिल कट कर रहा था, उसे भूख लगी थी क्योंकि इवनिंग का ऑलमोस्ट ईशा का टाइम हो गया था बच्चों को खाने के लिए। एक्चुअली मैं जल्दी ही बना देती हूँ क्योंकि उन लोग जल्दी जल्दी से खाना खा कर रेस्ट कर ले, अभी स्कूल जो स्टार्ट हो गए तो ट्यूशन स्कूल से बच्चे इतना टायर्ड हो जाते हैं ना, 7 बजे ही नींद आ जाती है उनको, तो ऑलमोस्ट मेरा कुकिंग जो है 7:30 तक कंप्लीट कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिश फ्राई भी हो गए, देखिए एकदम बढ़िया सा टेस्टी सा, इसको रवा लगा कर मैं फ्राई की हूँ, आप चाहे तो पीछे फिर से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बातों में मैं जो है आपको कुछ कुछ बता रही थी। तो यहाँ पे मेरा मसाला भी रेडी हो गया है फिश फ्राई के, तो यहाँ पे मैं बर्तन में ऑनियन, एक ऑनियन आधा कट करी हूँ, और टमाटो एक, हरी मिर्च दो, तो ये सारा चीज़ मसाले के लिए फिश करी के लिए कटिंग करके बर्तन में ऑलरेडी रख चुकी थी मैं। तो यहाँ पे मसाला भी आधा करके ले रही हूँ, क्योंकि एक नारियल का पीसी थी, तो इतना ग्रेवी तो हम कोई भी नहीं खाते, तो आधा ग्रेवी करूँगी, आधा फ्रिज में रख दूँगी और कभी यूज़ होगा। और ये जो है त्रिफल बोलते हैं ना लोकल जो है फिश करी में वगैरह यूज़ होता है, इस तरफ हम साउथ साइड में कर्नाटक या गोवा वगैरह में ये सब यूज़ करते हैं, तो अच्छा एक स्मेल आता है, मुझे और हस्बैंड को पसंद है। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट फिश फ्राई जो है हो गया है, और एक थोड़ा सा है वो सेकेंड ट्रिप में डाल दूँगी,
तो एकदम कड़क बनाना है, बहुत टेस्टी बनती है। तो फिश में जो है बांगड़ा और धोड़ी था, तो ये हस्बैंड ही क्लीन किए थे, जल्दी जल्दी से हो गया था। तो यही है, तो और एक ट्रिप जो है बन रहा है। तो उसके बाद हमारा ग्रेवी जो है मैं बॉईल करने के लिए रखी थी, ये देखिए ग्रेवी भी ऑलमोस्ट जो है कुक हो गया है। तो इसमें हम जो फिश में रखी थी, एक्चुअली फिश हम ज़्यादा इस पे से नहीं खाते, इसीलिए एक फिश जो है मैं रखी थी वो ही डाल रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा आधी प्याज जो है मैं कट करके सेपरेट रखी थी तड़का देने के लिए। तो ये किसी किसी को पसंद है तो दे सकते हैं, ज़्यादातर लोग तड़का वगैरह नहीं देते हैं, तो हमें अच्छा थोड़ा सा स्मेल पसंद है, इसीलिए अच्छे से ब्राउन कर लेना है प्याज को। और ऊपर से गैस बंद करने के बाद, मतलब हमारा फिश का जो है ग्रेवी बॉईल हो चुका है, मैं गैस बंद कर चुकी थी, तो यहाँ पे देखिए ये भी डाल दे रही हूँ मैं। और जैसा बात हो रही थी कि किसी और की जो है कमाई में हम कुछ बन पाएंगे या तो फिर कुछ करेंगे, कभी नहीं हो सकता है। अपने आप में कुछ करना है, अपने को कुछ लाइफ जीना है तो मेहनत कीजिए, बस हार्डवर्क करना है और अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे हम। और यहाँ पे देखिए डिनर के लिए मेरा फिश करी रेडी है, दोपहर का जो एग राइस है वो भी है, ये खाना कल रात का था वो गरम कर चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे फिश फ्राई रेडी है, दाल भी जो है कल की रात की दाल थी वो भी रेडी है, गरम कर चुकी हूँ। और बर्तन वगैरह धुल गया है, किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद बस फ्रेशन अप होकर मैं बेडरूम चले गई थी, क्योंकि सुबह में गड़बड़ में ऐसे ही चले जाते हैं, तो अभी क्लीन नीट कर दूँगी। तो यहाँ पे तो टायर्ड हो जाती हूँ, सच बताऊँ तो बहुत मुश्किल होती है व्लॉगिंग करना या तो फिर काम पर जाकर आकर शूट करना। कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये एक मेरा अभी लाइफ का एक पार्ट ही बन चुका है। एक साइड में जो है व्लॉगिंग का भी करती हूँ, काम का जो है काम भी करती हूँ। और आलसपन जो है ना वो भी हमें ख़त्म कर लेना है अपने आप में, क्योंकि कभी हम ऐसे सोच कर बैठ जाएंगे बाद में करेंगे, कुछ करेंगे बाद में हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। जब भी हम करने के लिए अगर सोचेंगे तभी जो काम है वो उसे तुरंत निपटा लेना है, तभी वो काम हो सकता है। अगर आलस होके बैठ जाएंगे ना कुछ भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट मेरा बेडिंग वगैरह हो गया, जोया जो है पढ़ाई कर कर के थक गई, मैं ईशा के टाइम हो गया, मैं नमाज के लिए जा रही थी। तो यहाँ पर बैग देखिए ऐसे रख के मेरी बेटी जो है सो गई, क्योंकि इतना टायर्ड हो गए ना स्कूल से आने के बाद, बहुत बच्चे आजकल टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उधर खेल भी लिखना पढ़ाई इतना हो जाता है उनका। उसके बाद मैंने ईशा के नमाज़ पढ़ ली, खूब सारा दुआ कर ली, बस यही है एक सुकून, सारा दिन का थकान जो है यहीं पे ख़त्म होती है। क्योंकि नमाज़ में नमाज़ पढ़ के खुदा से जो भी अपनी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं बता देते, तो दिल को सुकून हल्का हो जाता है ऊपर वाले से सब कुछ शेयर करने से। तो उसके बाद मेरा यूनिफॉर्म जो है मैं धोने के लिए डाली थी, तो वो सूखने के लिए डाल रही हूँ, बस रात में फ़ैन के हवा में ये सूख जाएगा। तो ये मेरा मेन काम है हर रोज़ रात में। तो चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो ज़रूर, आप चैनल में कोई नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक करके ऑल कर दीजिए, तब भी मैं जो भी वीडियोस डालूँगी अब तक तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।